Welcome to my channel Novels in Novels. Please comment, share and smash that like button, subscribe to my channel and don't forget to ring the notification bell so that you don't miss further upcoming new videos. वो इसके साथ ही खड़ा था। गुलाबी कपड़े को हाथ में मसल कर चेक करता हुआ वो मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली की तरफ मतवज्जो था। वो यहाँ से इसका नीम रुख ही देख सकती थी। वो दराज कद था, रंग साफ और आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस थे। चेहरे पे मतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट पे मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोबारा इसके हाथ को देखा जिसमें इसने कपड़ा पकड़ रखा था। इसी पल इसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानिब खींचा। गुलाबी रेशम इसकी हथेली से फिसल गया। अब इसकी उंगलियां सामने थीं जिनके ऊपरी पोरों की कुदरती लकीर पर भूरी सी लकीर पड़ी थी। इसे बेख्तियार शीशे में आई वो उंगलियां याद आई। बहुत एहतियात से इसने इधर उधर देखा। खतीजा फासले पे खड़ी डम्मी का लिबास देख रही थी। आसपास कोई इसका जानने वाला नहीं था, यकीनन वो यहाँ तमाशा कर सकती थी। पिंकी, इसने दानिस्ता करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके बाआवाज़े बुलंद पुकारा। वो अपनी बहन की सिम देख रहा था। इसने शायद सुना ही नहीं। अलबत्ता इसकी बहन हया को अपनी जानिब देखता पाकर कुछ बोलते बोलते रुकी थी। पिंकी, इसने जरा जोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने ना समझी से इसे देखा। इसकी वालदा भी बेटे की निगाह के ताकुब में इसकी तरफ देखने लगी थी। इन दोनों के यूं रुक कर हया को देखने के बायस इस नौजवान ने गर्दन मोड़ी। हया ने देखा इसका चेहरा झुलसा हुआ था। झुलसने का निशान बहुत गहरा ना था, बस इतना कि आधा चेहरा साफ गंदमी रंग का लगता तो दूसरा गहरा सांवला। पिंकी, डॉली कहाँ है? वो सीने पे बाजू लपेटे बड़े तिखे अंदाज में बोली। और चूंकि वो इस नौजवान की आंखों में देखकर बोली थी तो वो जरा सा उलझ सा गया। सॉरी, मैंने पूछा है डॉली कहाँ है? कौन? मैं समझा नहीं, वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला। अगर आपके दिमाग पे चोट आने की वजह से आपकी याददाश्त खो गई है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको याद कराए देती हूँ। डॉली आपका वो ख्वाजा सरा दोस्त है जिसके साथ मिलकर आप रोज ख्वाजा सरा बने सड़क पर भीख मांग रहे थे। पिंकी नाम बताया था आपने अपना। इसकी पेशानी शिकन अलूदा हो गई। आंखों में गुस्सा दर आया। ताहम वो जरा बर्दाश्त करके बोला, मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। मगर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ये आपकी उंगलियों पे निशान मेरी गाड़ी की खिड़की के शीशे में फंसने के बायस ही आए हैं। मुझे याद है मिस्टर, आप कौन हैं और प्रॉब्लम क्या है आपको? वो लड़की मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मैं वो हूँ जिसने आपके इन भाई साहब को ख्वाजा सरा बने देखा था। इट्स इनफ, इस नौजवान ने गुस्से से घड़का। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूँ और आप बेलगाम होती जा रही हैं। इससे आगे अगर आप कोई फजूल गोई की तो अच्छा नहीं होगा। इतनी ही शराफत है आप में तो ख्वाजा सरा क्यों बने हुए थे? किसी ने इसके अकब में कहा तो वो चौंकी। खतीजा बहुत एतमाद से कहती इसके बराबर आन खड़ी हुई थी। हया को एकदम ही जैसे ढारस सी मिली। आपका दिमाग खराब है? अपनी बहन को समझाएं, मेरे भाई से तारुफ का अच्छा बहाना ढूंढा है उन्होंने, लड़की भड़क कर बोली। शॉप में बहुत से लोग सबको छोड़कर इनको देख रहे थे। तारुफ माय फुट, जॉबन खतीजा भी ऊंची आवाज में बोली। आपके भाई को मैंने भी ख्वाजा सरा बने देखा था। मैं अभी 10 और लोग ला सकती हूँ जो इस बात की गवाही देंगे। अजीब खातून है आप, ख्वाम खातन किए जा रही हैं। ये तारुफ के बहाने किसी और के सामने जाकर बनाए। सर, मैडम, शॉप का मैनेजर तेजी से इनकी तरफ आया था। प्लीज आप इधर तमाशा ना करें, दूसरे कस्टमर्स डिस्टर्ब। ओ मेजर साहब, अब इसने इस नौजवान का चेहरा देखा तो शनासाई भरी हैरत से बोला, बहुत माजरत सर, आप मोहतरमा, वो हया की तरफ मुड़ा, आप प्लीज शोर ना करें, अगर आपने खरीदारी नहीं करनी तो आप जा सकती हैं।
हया के तो तलवों पर लगी, सर पे बुझी। आप होते कौन है मुझे शॉप से निकालने वाले? अहमद भाई चले, हम ही चलते हैं, इनका तो दिमाग खराब है। लड़की ने खफगी से इसे देखते हुए कपड़ा फेंका और पलटी। वो नौजवान एक तनफर भरी निगाह इस पर डालकर अपनी माँ का शाना थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हया ने चौंक कर इसे देखा, अहमद भाई, मेजर साहब तो क्या वो तौबा है इन आजकल की लड़कियों की, वालदा साहिबा मुसलसल नापसंदीदगी से बुड़बुड़ाती निकल गई। वो लब भेजे खड़ी इन्हें जाते देखे गई। इससे शख्स के मेजर अहमद होने में कोई शुबा नहीं रह गया था। हया, इससे पहले कि ये मैनेजर हमें धक्के देकर निकाले, हम भी खिसक जाएं। डीजे ने इसके करीब सरगोशी की तो वह चौंकी, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। बाहर खुली फिजा में आकर इसने बेख्तियार कहा था, थैंक यू डीजे। और ये वो पहली दफ़ा था जब इसने खतीजा को इसके मारूफ नाम से पुकारा था। डीजे बेसाख्ता हंस दी, मुझे पता है आप झूठ नहीं बोलती, आपने वाकई वही देखा होगा जो कह रही थी। मगर डीजे, मैंने वाकई इसे ख्वाजा सरा बने देखा था। हया, आपने इसे बस ख्वाजा सरा बने देखा था ना, तो हो सकता है वो सिर्फ एडवेंचर के लिए ऐसा बना हो। पता नहीं, इसने बेजारी से शाने उचकाए। चलो चलते हैं, वो आगे बढ़ गई। इसका दिल हर शय से उचाट हो गया था। 28 जनवरी को इसे इतिहाद एयरलाइंस का टिकट ईमेल कर दिया गया, जिसका इसको प्रिंट आउट निकलवाना था। फिर इसी टिकट पर इसे 5 फरवरी की सुबह इस्तांबुल के लिए रवाना होना था। शाम में वो इरम से इसका ईवो मांगने ताया फुरकान के घर आई थी। इसका नेट काम नहीं कर रहा था और अब्बा अभी ऑफिस से नहीं आए थे, वरना इनका इस्तेमाल कर लेती। खतीजा का पैगाम आया था कि सबांची यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल का इलेक्ट्रिकल फॉर्म पुर करने के लिए भेजा है, सो वो मेल चेक कर ले। ताया फुरकान लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, इसे आता देखकर मुस्कुराए। आ गई ताया की याद, उन्होंने सफ़ा पलटते हुए नरमी से पूछा। जी, वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनके पास चली आई, वरना इस रोज़ की साइमा ताई की बातें अभी तक निश्तर की तरह चुपती थी। फ्लाइट कब है? वो अखबार पे निगाहें मरकूज किए पूछ रहे थे। 5 फरवरी को हूँ, अपना ख्याल रखना, वैसे बेटियों को तन्हा इतना दूर भेजना नहीं चाहिए, सुलेमान का हौसला है भाई। खैर, तुम तुर्की में अपने लिबास और इकदार का ख्याल रखना, सर से दुपट्टा ना उतारना जैसे इरम नहीं उतारती। आखिरी फिक्रे कहते हुए इनके लहजे में फख्र दर आया था। हया के हल्क तक कड़वाहट घुल गई। जी बेहतर, मैं ज़रा इरम से मिल लूँ, वो जान छुड़ाकर अंदर आ गई। काश के वो ताया फुरकान को बता सकती कि मगरबी लिबास जो वो यहाँ इनकी वजह से नहीं पहनती, वहाँ ज़रूर पहनेगी। इसने बहुत से टॉप्स और जीन्स खरीदकर अपने सामान में रख लिए थे। और रही सर ढकने की बात, तो वो खैर से सबांची में सख्ती से हराम था। शुक्र, इरम कमरे में नहीं थी, बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो बेदिली से इसके बेड पे बैठ गई। इरम शावर लेने में बहुत देर लगाती थी, सो मजबूरन उसे इंतज़ार करना था। दफ़ातन सेल फोन की घंटी बजी, हया चौंकी। इरम का सेल फोन इसके साथ ही तकिए पर रखा था। इसने गर्दन झुकाकर देखा, सेल फोन की रोशन स्क्रीन पर एक नया पैगाम जगमगा रहा था, साथ ही भेजने वाले का नाम लिखा आ रहा था, हया सुलेमान। वो बेयकीनी से फ़ोन की स्क्रीन को देखे गई। क्या किसी ने इरम को इसके नंबर से पैगाम भेजा था, या इरम ने किसी का नंबर इसके नाम के साथ महफूज कर रखा था? हया ने मोहतात निगाहों से बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फ़ोन पे एक दो बटन दबाए। पैगाम लम्हा भर बाद खुल गया। मैं कॉल कर लूँ, सुबह से बात नहीं हुई, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, ये दिल इतना मजबूत नहीं है जान, रिप्लाई। इसने जल्दी से पैगाम मिटाया और सेल फोन वापस तकिए पर उल्टा कर रख दिया। एक लम्हे में इसे सब समझ में आ गया था। इरम ताया फुरकान की स्कार्फ वाली सर ढकने वाली बेटी, एक अदद बॉयफ्रेंड की मालिक थी,
जिसे लोगों से छुपाने के लिए इसने हया सुलेमान का नाम दे रखा था। तभी वो इस रिश्ते पे खुश नहीं थी। हया को याद आया, वो मजीद बैठे बिना वहां से निकल आई। इवो इसने ताया फुरकान से मांग लिया, मगर जाते जाते एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ इनको जरूर देखा था। काश वो इरम के हिजाब का फोल खोल सकती तो ताया की शक्ल देखने वाली होती। हिजाब ओढ़ना या निकाब करना किरदार की पुख्तगी की अलामत नहीं होती, इसने बेख्तियार सोचा था, और तब वो ऐसा ही सोचती थी। सबांची यूनिवर्सिटी ने इसे इसके हॉस्टल के मुतल्लिक तरजीहात जानने के लिए एक सवालनामा भेजा था। लैपटॉप गोद में रखे वो बेड पे नीम दराज दिलचस्पी से सवालात पढ़ती, सिर्फ अपना मूड बेहतर करने के लिए मज़ाहिका खेज जवाब भेजने लगी। क्या आप अपनी किसी हमवतन एक्सचेंज स्टूडेंट के साथ कमरा शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं, इसकी उंगलियां तेज़ी से लैपटॉप की कुंजियों पे हरकत कर रही थीं। क्या आप स्मोकिंग करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। ड्रिंक करती हैं? वो भी करती हूँ। आप किस किस्म की तबीयत की मालिक हैं? सख्त झगड़ालू और खूनखार। वो मुस्कुराहट दबाए जवाब लिख रही थी। जब सफ़र ख़त्म हुआ तो इसने नेक्स्ट को दबाया। सोच रही थी कि अगले सफ़े के जवाबात पुर करके इस फॉर्म को मंसूख कर देगी। इस फॉर्म को जमा कराने का इसका कत्तन कोई इरादा ना था, मगर जब नेक्स्ट दबाने पे अगले सफ़े के बजाय फॉर्म फिल करने का शुक्रिया, हम आपका डॉन अलॉट करते वक्त आपकी दी गई तरजीहात का ख्याल रखेंगे, लिखा आया तो इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। लानत हो तुम सब पर, वह झंझला कर उठी और लैपटॉप एक तरफ रखा। फॉर्म सबांची को जा चुका था और इसका पहला ही तासुर कितना बुरा पड़ा होगा वो जानती थी। इसकी पैकिंग अभी नामुकम्मल थी। इसने एक निगाह खुले सूट केसेस और बिखरी अशिया पर डाली, फिर कुछ सोचकर बाहर आई। लाउंज खाली था। हया ने टेलीफोन स्टैंड पर रखी डायरी उठाई और सफ़े पलटने लगी। एस के सफ़े पर ये चार सतूर में सबीन पुप्पो के घर का पता और एक फ़ोन नंबर लिखा था। इसने वो सफ़ा फाड़ा और तह करके मुट्ठी में बदबा लिया। एक दफ़ा जहान सिकंदर इसे मिल जाए, फिर वो इन बीते माहों साल का हिसाब ज़रूर लेगी। वो वापस बेड पे आकर बैठी और सामने लैपटॉप पे खुले पड़े मेल बॉक्स को देखा। वहाँ अब एक नई ईमेल का निशान जगमगा रहा था। नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। इसने कदरे उलझ कर इस मेल को देखा और खोला। भला अब साइबर क्राइम वाले इससे क्यों रायबता कर रहे थे? सफ़ा खुल गया और जैसे जैसे पढ़ती गई इसकी आंखें हैरत से फैलती गई। ये ईमेल साइबर क्राइम सेल से हया की उस मेल के जवाब में आई थी जो चंद रोज़ कबल इसने बतौर शिकायत भेजी थी और जिसमें इसने वीडियो का जिक्र किया था। अब इसके जवाब में हेल्प डेस्क ऑफिसर ने इसको एक बकायदा कंप्लेन फॉर्म भेजा, जिसको भरने के साथ साथ इसे अपना फ़ोन नंबर, घर का पता, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह लिखकर भेजने थे। ये फॉर्म FIR के मुतादिफ था, सो तमाम तफसीलात ज़रूरी थी। वो यकटिक इस फॉर्म को देखे गई। अगर साइबर क्राइम सेल ने उसे जवाब अब दिया था तो वो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल, वो मेजर अहमद का ऑफिस, वो सब क्या था? क्या इसे बेवकूफ़ बनाया गया था? क्या वाकई वो असली मेजर था? या मगर फिर इसने इसके पास वो वीडियो को मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से हटवाने की ताकत और असर रसूख कैसे आया? वो उलझते जहन के साथ जल्दी जल्दी जवाब टाइप करने लगी। इसे साइबर क्राइम सेल को मुख्तसर अल्फाज में ये यकीन दहानी करवानी थी कि वो वीडियो अब हट चुकी है और वो अपनी शिकायत वापस ले रही है। इसे अब फौरी तौर पर इन खुफिया वालों से पीछा छुड़ाना था। मेल लिखकर इसने सेंड को दबाया और पुरसोच निगाहों से स्क्रीन देखी गई। मेजर अहमद का ताल्लुक
साइबर क्राइम सेल से नहीं था इस बात का इसको यकीन हो चला था। एयरपोर्ट पर डीजे बुरी तरह रो रही थी। इसके वालदैन इसके साथ खड़े इसे तसल्ली दे रहे थे। हया कुछ देर तो इसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर आजिज़ सी होकर कदरे फासले पे जा खड़ी हुई और जैकेट की जेबों में हाथ डाले बड़े सुकून से डीजे को रोते देखती रही। आज उसने शलवार कमीज पे स्याह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन से लपेटा था। बस आज आखिरी रोज था, फिर तुर्की में वो अपनी मर्जी का लिबास पहनेगी और अपनी मर्जी से अकेली हर जगह घूमेगी, बिना रोक टोक, बिना ताया फुरकान या अब्बा की डांट के खौफ के। इस वक्त रात के 11:30 बजे थे और इनकी फ्लाइट अगली सुबह 5 फरवरी की सुबह 4 बजे की थी। कितना रोती है ये, तुम ख्याल रखना इसका। सुलेमान साहब को डीजे के मुसलसल रोने पे कोफ्त होने लगी थी। जब तक वो वापस हुए डीजे रोए जा रही थी। इसके आंसू तब जाकर थमे जब इतिहाद एयरलाइंस की वो पाकिस्तानी नजाद ऑफिसर इनके पास आई और बहुत शाइस्तगी से इनको मुखातिब किया। मैडम, आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप्स सूटकेस से निकाल कर हैंड कैरी में रख लें, ताकि आपका सामान गुम भी हो जाए तो कम अज़ कम डॉक्यूमेंट्स महफूज रहें। ऐवी सामान गुम हो जाए, हथेली की पुछ से आंसू साफ करके डीजे ने गुस्से से कहा। वो सारा रोना भूल गई थी, हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना मैम, यही बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात सामान गुम भी हो जाया करते हैं, कहीं ये ना हो कि बाद अज़ा आप किसी मसले से दोचार हों। वो इस तुर्क एयरलाइन में काम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी और इनके पहली दफ़ा बैनुल अक्वामी फ़्लाइट लेने के पेश नज़र कह रही थी, और हया मान भी जाती मगर डीजे अड़ गई। हरगिज़ नहीं, हमने इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना, प्लेन में आपको नहीं उठाना पड़ेगा, ऑफिसर की शाइस्तगी बरहमी में बदलने लगी, प्लेन में जाने तक तो उठाना ही पड़ेगा, फिर तो तुर्की में आप पर अल्लाह ही रहम करे। वो पैर पटकती चली गई तो डीजे ने अपनी मतरूम आंखों और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ हया को देखा और उंगली से एमएक पीछे की। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। हया बेख्तियार हंसती, इसे डीजे अच्छी लगी थी। फ्लाइट में इन दोनों को नशिस्तें एक ही कतार में मिली। दरमियानी रस्ते के दाएं तरफ जुड़ी 3 नशिस्तों में से खिड़की के साथ वाली हया को मिली और रास्ते वाली नशिस्त डीजे को। दरमियानी नशिस्त खाली थी। क्या ही मज़ा आ जाए हया अगर इस सीट पे कोई हैंडसम और चार्मिंग सा लड़का आकर। डीजे के अल्फाज अधूरे ही रह गए। एक भारी भरकम से पाकिस्तानी साहब जो अपने 2 पीस में बेहद फंसे से लग रहे थे, इत्मीनान से चलते हुए आए और धप से इन दोनों के दरमियान बैठ गए। हया ज़रा गैर आरामदा महसूस करके मज़ीद खिड़की की तरफ खिसक गई और खतीजा मुखालिफ से, मुझे उस्मान शबीर कहते हैं, शेख उस्मान शबीर, अपनी भारी आवाज़ में वो खुश दिली से गोया हुए। नाइस, हया बज़ाहिर अपने छोटे से गोल्डन क्लच को खोलकर कुछ तलाश करने लगी। ये वही क्लच था जो दावर भाई की मेहंदी पे इसने गोल्डन लहंगे के साथ लिया था। गुड, डीजे ने मैगजीन उठाकर चेहरे के सामने फैला लिया। मैं तुर्की से आया हूँ, दरअसल वहीं रिहाइश पजीर हूँ, मेरी बीवी और बेटा भी वहीं रहते हैं। हया मजीद अपने पर्स पे झुक गई और डीजे ने मैगजीन चेहरे के इतना करीब कर लिया कि इसकी नाक सफात को छूने लगी। मगर वो मेरा बेटा नहीं है, जानती हो वो किसका बेटा है? मजीद नज़रअंदाज करना बेकार था। हया ने रुख उस्मान शबीर की जानिब मोड़ा और डीजे ने बेजारी से मैगजीन नीचे कर लिया। आप बताएं किसका बेटा है? उस्मान शबीर को शायद सदियों से किसी सामे की तलाश थी, वो अपनी दास्तान हयात फौरन ही शुरू कर बैठे। डीजे मुसलसल जमाइयाँ रोक रही थी और हया शदीद मतली महसूस कर रही थी। वो कल सुबह की जागी हुई थी और अब इस सुबह के 4:30 बज रहे थे। ऊपर से जहाज़ का सफ़र,
इसने डीजे के सामने जाहिर नहीं किया था कि वो पहली बार जहाज में बैठ रही है। आखिर डीजे क्या सोचती कि कैसी लड़की है, कभी हवाई सफर ही नहीं किया। अब क्या बताती कि कभी कोई ऐसी सूरत ही नहीं बन सकी। इस सब पे मुतजाद इन साहब के अलमनाक दास्तान जो मुख्तसरन कुछ ऐसे ही थी कि वो और इनकी बेगम अरसा 30 साल से तुर्की में रिहाइश पजीर थे। चूंकि औलाद नहीं थी इसलिए उन्होंने उस्मान साहब के एक कज़न का बेटा गोद लिया था। वो बेटा बेजा लाड़ प्यार से खासा बिगड़ चुका था, सो इस सूरत हाल को संवारने के लिए उन्होंने कच्चे खूह में रिहाइश पजीर अपनी भांजी से इसका रिश्ता तय कर दिया था, जिस पे 8वीं फेल भांजी साहिबा बहुत खुश और बेटा बहुत नाराज़ था। और इसके बेशतर के वो अपनी पाकिस्तान आमद की वजह बयान करते मेन्यू कार्ड्स आ गए। वो दोनों फिर से ताज़ा दम हो गई। मेन्यू पे कुछ नाम जाने पहचाने और कुछ उर्दू से मिलते जुलते थे। जीरा आलू विद सब्स कटलेस, पनीर जलफ्रेजी, सादा पराठा, तीखी बिरयानी वगैरह। हया ने डीजे की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। दरमियान में मौजूद भारी भरकम दीवार के बाइस वो आगे होकर बैठी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मंगवाएं। टर्किश फूड बहुत ज़बरदस्त होता है और तुर्क लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। मैं बताता हूँ कि क्या मंगवाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुतजब्जिब सी हया ने हथियार डाल दिए। बहुत बेहतर, बताइए। वो गहरी सांस लेकर पीछे होकर बैठ गई। पहले तो सादियात समाक मंगवाते हैं। ये रवायती तुर्क चावल हैं, सफ़ेद मछली, फ्राइड प्याज और काजू के साथ। मशरूम एंड चीज़ ऑमलेट, जीरा आलू। वो बहुत एतमाद से ऑर्डर लिखवाते गए। मगर जब खाना आया तो हया का दिल ख़राब होने लगा। खाने की खुशबू सूंघ कर ही इसका जी मतलाने लगा था। उस्मान शब्बीर बड़े बड़े लुक में लेते मज़े से खा रहे थे। डीजे बमुश्किल एक चमचा लेकर ही दोहरी हुई। हया भी बदमज़ा हो गई थी। इतना फीका खाना इसने आज तक नहीं खाया था। बमुश्किल चख कर उन्होंने बर्तन परे कर दिए। उस्मान शब्बीर अभी तक पूरी दिलजमी से खा रहे थे। अजीब सी खुशबुएं इसके नतों में घुस रही थी। अगर यही तुर्क फूड था तो इसे लगा तुर्की में 5 माह वो भूखी रहेगी। ऐसा जी तो इसका डाइवो बस में भी नहीं मतलाना था जैसे इधर हो रहा था। वो चेहरे पे दुपट्टा रखकर सो गई। इस्लामाबाद से पूरे 2.5 घंटे बाद इन्हें अबू धाबी एयरपोर्ट पे उतरना था। वहाँ कुछ देर का क़याम था और फिर इस्तंबुल। अबू धाबी उतरने से कब्ल खिड़की के पार ज़मीन का गोलाई में कटाव दिखाई देने लगा था। ज़मीन का वो कुर्रा इतना हसीन था कि इसकी सारी बेजारी और नींद भाग गई। वो यकटक वो मंज़र देखे गई। अबू धाबी एयरपोर्ट पर उन्होंने टर्मिनल 3 पे लैंड किया था। इस्तंबुल की फ़्लाइट उन्होंने टर्मिनल 1 से पकड़नी थी, मगर पहले घर फ़ोन करना था। वो दोनों आगे पीछे तेज़ तेज़ चलती कॉलिंग कार्ड ख़रीदने गईं। 5 यूरो का इत्तसलात का कार्ड ख़रीदा और फ़ोन बूथ की तरफ भागी। कतार में फ़ोन बूथ लगे थे। हया ने एक एक करके पहले तीनों पे कार्ड लगाने की कोशिश की, मगर कार्ड था कि डलने का नाम ही ना ले। इसे एयरपोर्ट पे फ़ोन बूथ इस्तेमाल करने का पहला तजर्बा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हया, इस बंदे को देखो, जैसे ये कार्ड डाल रहा है वैसे ही डालो। डीजे ने इसे कोनी मारी तो हया ने पलट कर देखा। चौथे बूथ पे एक शख्स इनकी तरफ पुश किए अपना कार्ड डाल रहा था। हया को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है। सो
वो डीजे का हाथ थामे इसके सर पे जा पहुंची। वो रिसीवर कान से लगाए नंबर मिला रहा था। प्लीज़ हमें ये कार्ड डाल दें, मैं इसे डाल नहीं पा रही, हया ने कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया। वो चौंक कर पलटा। वो स्याह रंगत घुंघरियाले बालों और ऊंचे कद का नस्लन हबशी था। इसने एक हाथ से कार्ड लेते हुए इन दोनों लड़कियों पे निगाह डाली। एक स्याह लंबे बालों और बड़ी आंखों वाली खूबसूरत सी लड़की जो जैकेट की जेबों में हाथ डाले खड़ी थी। दूसरी बड़े चश्मे और ढीली पोनी वाली लड़की जिसने स्वीटर तह करके बाजू पे डाल रखा था। दोनों मुंतजर सी इसे देख रही थी। अच्छा मैं ज़रा बात कर लूँ फिर। इसे शायद कान से लगे रिसीवर में कोई आवाज़ सुनाई दी थी, तब ही रुख मोड़ गया। वो दोनों इसी तरह खड़ी इसे देखती रहीं। इनसे वो अंग्रेज़ी में मुखातिब हुआ था मगर अब फ़ोन पे अरबी में बात कर रहा था। डीजे तो बोर होकर इधर उधर देखने लगी मगर श्रिया एंड लॉ के 5 बरसों ने हया को अरबी अच्छी तरह से सिखा दी थी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपने LLB के पहले वर्ष इनको अरबी ही सिखाई जाती थी और इनकी क्लासेस में अल बहरीन और मिस्री उस्ताजा इन्हें अरबी में ही लेक्चर्स दिया करते थे। मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ, वो अब रुख फेरे कदरे परेशानी से कह रहा था। हाँ शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। तुमने हारिस को डॉक्टर को दिखाया? अच्छा क्या कहता है डॉक्टर? कर दूँगा पैसों का इंतज़ाम, कहा जो है बार बार एक ही बात मत दोहराया करो जाहिल औरत, तय से इसकी दबी दबी सी आवाज़ बुलंद हुई। हाँ मेरी अब्दुल रहमान से बात हो गई थी, इसी के काम के लिए ख्वार हो रहा हूँ, मगर वो ज़्यादा रकम नहीं देगा, एक जगह और भी बात की है। इसने रुक कर कुछ सुना और फिर मज़ीद झुंझलाहट से बोला, अच्छा फ़ोन रख रहा हूँ, मरहबा। इसने खटाक से फ़ोन रखा और इनकी तरफ पलटा। सॉरी गर्ल्स, बमुश्किल चेहरे पर विशाशत लाते हुए वो अब इनका कार्ड लगाने लगा। पहली ही कोशिश कामयाब हो गई, वो शायद कार्ड को उल्टा पकड़ रही थी। लीजिए, स्याह फॉर्म ने रिसीवर इसकी तरफ बढ़ाया, फिर इनसे हटकर दूर चला गया। बस एक एक मिनट की कॉल करेंगे, हया ने नंबर मिलाते हुए डीजे को तनबीह की। सुलेमान साहब ने पहली ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया। वो चुप हुई कि नहीं तो वह कितना रोती है। जी जी अब्बा जी, वह चुप हो गई है और फिर जल्दी जल्दी अपनी खैरियत बताकर फ़ोन बंद कर दिया। डीजे ने भी बमुश्किल एक ही मिनट घर बात की। बाद में बकाया रकम देखी तो बमुश्किल 1 यूरो इस्तेमाल हुआ, बाकी 4 यूरो का बैलेंस अभी मौजूद था। दोनों अपनी उजलत व कंजूसी पे खूब पछताईं कि अब अबू धाबी से निकल कर तो ये कार्ड किसी काम का नहीं था। हया ने इसे अपने गोल्डन पाउच में डाल लिया। अब इन्हें अपना सामान लेना था। वहाँ बहुत से टायर्स चल रहे थे, हर टायर पर बैग्स और सूटकेस कतार में रखे चले आ रहे थे। इन्हें कतन इल्म नहीं था कि अपने बैग्स को कहाँ तलाशें। वो दोनों बदहवास सी एक टायर से दूसरे की तरफ भागने लगी। डीजे का थोड़ी देर में ही सांस फूल गया। कभी हया को एक जगह अपना स्याह सूटकेस का गुमान गुजरता तो वो डीजे का हाथ खींच कर उधर भागती, मगर करीब से देखने पे वो किसी और का बैग निकलता। तो कभी डीजे अपने भूरे थैले को पहचान कर चिल्लाते हुए एक तरफ दौड़ती मगर इस पे किसी और का नाम दर्ज होता। हया बताओ अब बैग्स कहाँ से ढूंढें? डीजे ने परेशानी से इसे देखा। इसका सांस धुनकनी की तरह चल रहा था। हया ने बमुश्किल थूक निगली और चेहरे पे आते बाल कानों के पीछे अड़ोसे। अब सच बोलने का वक्त था। डीजे मुझे सच में नहीं समझ आ रही, मैं आज जिंदगी में पहली दफा जहाज में बैठ रही हूँ। डीजे ने चंद लम्हे इसका चेहरा देखा फिर अपनी हथेली इसके सामने फैलाई। हाथ मारो, मैं भी आज पहली दफा जहाज में बैठी हूँ। हया ने जोर से इसके हाथ पे हाथ मारा और दोनों हंस पड़ी। काफी देर बाद इनको टायर्स की लिस्ट नजर आई।
जिस पे हर फ्लाइट के मखसूस टायर का नंबर दर्ज था। फेरिस्त देखकर 2 मिनट में ही अपना मतलूबा टायर मिल गया। सामान लेकर हया इतनी थक चुकी थी कि डीजे ने वहीं एक जगह चमकते फर्श पर बैठने को कहा तो वो अपना सारा नखरा और गुरूर बालाए ताक रखकर इधर जमीन पे बैठ गई। अपने बैग्स के साथ वो दोनों अब मजे से फर्श पे बैठी हर आते जाते को देख रही थी और इर्द गिर्द मोहज़ब नफ्स लोग हैरत से इनको देखते हुए गुजर रहे थे। Please comment, share and smash that like button. Subscribe to my channel and don't forget to ring the notification bell so that you don't miss further upcoming new videos.